एंटरटेनमेंट और ग्लैमर इंडस्ट्री में बहुत सारी हीरोइनों ने इस बात को लेकर जिक्र किया है कि कैसे उनका वजन साइज मायने रखता है। बिग बॉस 15 के फिनाले में आई शहनाज ने भी ये कहा कि पतली लड़कियों को काम मिलता है। अब एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने एकता के साथ और इसके अलावा कई ऐसे शो किए हैं और टीवी में अपना नाम बनाया, इतना ही नहीं साउथ में फिल्में भी की। अब उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है और बताया है कि कैसे उन्हें पैड से भर दिया जाता था और उन्हें बहुत ज़्यादा जो है बाद में बेइज्जती महसूस होने लग गई और उन्होंने वो काम छोड़ा। मैं बात कर रही हूँ एरिका फर्नांडिस की, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कसौटी जिंदगी की, इन सभी में आपने उन्हें देखा होगा। सोनाक्षी बोस का जो उनका किरदार था काफ़ी फेमस हुआ। वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी। साल 2017 में उनकी आखिरी फिल्म रिलीज हुई और 2016 में उन्होंने यहाँ पर टीवी की दुनिया में, हिंदी टीवी की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया है और जो बात उन्होंने कही है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है। उन्होंने बॉलीवुड बबल को दिए एक इंटरव्यू में इन सारी चीज़ों का जिक्र किया और कहती हैं, मैं बहुत पतली और शर्मीली थी, मैं उस समय की तुलना में बहुत पतली थी जिसकी वो मुझसे अपेक्षा करते थे, या फिर उस समय जिस तरह की एक साउथ एक्ट्रेस की जरूरत होती थी मैं वैसी नहीं थी। चूंकि वो कामुक महिलाएं चाहते थे इसलिए मुझे पैड से भर देते थे, मैं बहुत सारे पैडिंग पहनती थी, थाई पैड से लेकर हर जगह पर कपड़ों में ढेर सारे पैड्स पहनती थी। मुझे इसमें अपमानित महसूस होता था, ऐसा लगता था कि आप उस व्यक्ति को वैसा स्वीकार नहीं कर रहे हैं जैसे वो है। मुझे बहुत असहज अनकंफर्टेबल महसूस होता था और हर जगह पैडिंग लगा देते थे। मेरे पास थाई पैड थे और हर जगह पैड लगाए जाते थे, लेकिन मुझे खुशी है कि अब चीज़ें वैसी नहीं हैं, लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो ये बात एरिका ने बताई और कहा कि कैसे उन्हें बहुत ज़्यादा जो है अपमान महसूस होता था जब उनको ये सब करने को कहा जाता था, लेकिन उसके बाद जब वो टीवी इंडस्ट्री में साल 2016 में आई उसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। फिलहाल जो है वो ब्रेक पर है, लेकिन बहुत जल्दी उनके नए प्रोजेक्ट्स रिलीज होने वाले हैं।